उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत से रुक रुक कर भारी भूस्खलन जारी है। भूस्खलन के बाद कुछ देर के लिए गंगोत्री मार्ग तमाखानी के पास बंद कर दिया गया था, लेकिन बीआरओ के सड़क से मलबा हटाने के बाद राजमार्ग पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। उत्तरकाशी में पहाड़ से मलबा आने का सिलसिला जारी है, जिससे यात्री फंसे हुए हैं। गंगोत्री, चुंगी और बड़ेती में कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ से मलबा आने से यात्री वहां पर फंस गए हैं। गंगोत्री, चुंगी और बड़ेती में कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं। तो बता दें आपको, लगातार पहाड़ से मलबा आ रहा है, जिसकी वजह से राजमार्ग भी बंद हो रहे हैं। यात्रियों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और अब कई यात्री फंसे हुए हैं। गंगोत्री में कई यात्री फंसे हुए हैं, कांवड़ यात्री फंसे हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है, जिससे गंगोत्री, चुंगी और बड़ेती में यात्री फंसे हुए हैं। अब इसे कुदरत का कोप कहें या कुछ और, मगर थर्राती धरती और दरकर तरकते पहाड़ सूबे की सेहत को सुधरने नहीं दे रहे। अब उत्तरकाशी का वर्णावत पर्वत जिंदगियां लीनने को आतुर है। दहशत की इस दस्तक से लोगों के हलक सूखे हुए हैं। सितंबर 2003 की उस खौफनाक रात को उत्तरकाशी के लोग आज भी याद करते हैं तो कलेजा कांप उठता है। वर्णावत पर्वत दरका तो इलाके में तबाही का तांडव मच गया। पर्वत के उपचार के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। वर्णावत पर्वत देवता ने 300 करोड़ की भेंट ली, मगर रिश्ते जख्म आज तक लोगों को दर्द दे रहे हैं। पर्वत फिर दहशत की हुंकार मार रहा है। ये दरक रहा है, टूट रहा है और लोगों की रातों की नींद उड़ा रहा है। इस पर्वत के नीचे 10,000 की आबादी बसी है, जिसके सर पर खतरा मंडरा रहा है। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने ही इसके उपचार के लिए 282 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि दी थी। और राज्य में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, वर्णावत का जो ट्रीटमेंट हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ और गुणवत्ता क्योंकि इतनी निम्न स्तर की थी कि देखो आज टूटने लग गया और इससे गंभीर खतरा इस पूरे शहर को हो गया और भगदड़ की जैसी स्थिति है। इनकी लापरवाही और सीधा सीधा ये अपनी गलती को छुपाने के लिए सीधे दोष दूसरों पे मढ़ रहे हैं। ये स्वयं झांके और अब आप तो सूचना के अधिकार से ले सकते हैं कि कब कब ये ट्रीटमेंट कार्य हुआ। तांबा खानी के ऊपर 1700 मीटर की ऊंचाई पर भूस्खलन रोकने के लिए किए गए ट्रीटमेंट की सीढ़ियों में दरारें आ गई हैं। डीएम ने यहां का दौरा किया और फौरन शासन को रिपोर्ट भेजी। शासन ने भी भू वैज्ञानिकों को उत्तरकाशी के लिए रवाना किया, जिन्होंने इलाके का निरीक्षण किया। शहर के ऊपरी कोने पर कुछ पत्थर खिसकने शुरू हुए थे, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय ने मौके का इंस्पेक्शन किया था और अपनी एक रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके क्रम में कल एक टीम जो भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रही है वो मौके पर मौजूद है। आज भी वो सर्वेक्षण कार्य में लगी हुई है। पर्वत से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, ट्रीटमेंट की सीढ़ियों में दरारें पड़ी हैं, उसमें बरसात का पानी भर रहा है। हालात भयानक होते जा रहे हैं और लोगों के तो हलक सूखे हुए हैं और लोग दहशत में हैं। उत्तरकाशी में वर्णावत भूस्खलन का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है। अभी हम खड़े हैं वर्णावत पर्वत पर, जहां मोटी मोटी दरारें ये दर्शा रही है कि आने वाले दिन उत्तरकाशी के लिए भयावह हो सकते हैं। वर्णावत पर्वत के ऊपर जो मोटी मोटी दरारें पड़ी है उसके चलते वर्णावत से बड़े बड़े बोल्डर और मलबा उत्तरकाशी की ओर निकल रहा है। सुभाष बडोनी, उत्तरकाशी समाचार प्लस। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद उत्तरकाशी जाकर वर्णावत पर्वत की स्थिति देखने की इच्छा जताई है। सीएम हरीश रावत के अनुसार सरकार ने कुछ एक्सपर्ट की टीम उत्तरकाशी भेजी है, जो उसके ट्रीटमेंट का काम देखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसे पहाड़ों में पानी की निकासी किस तरह हो सके इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था देख रहे हैं, जिससे भूस्खलन की समस्या कम से कम हो। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ कुछ भी देखने के लिए, जरा समय मौसम की वजह से ये आज्ञा नहीं दे रहा है। मैं जा करके देखूंगा और हमने एक एक्सपर्ट की टीम ऑलरेडी वहाँ भेज दी है। वर्णावत पर्वत एक बार फिर दरकने लगा है, जिससे समूचे उत्तरकाशी पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए इसके ट्रीटमेंट के लिए भेजे थे, लेकिन खतरा फिर भी टला नहीं है।
ऐसे में अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सीएम के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वहां विशेषज्ञ टीम भी भेजी है, अगर जरूरत होगी तो फिर से केंद्र से इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा मांगा जाएगा। वहीं बीजेपी नेता मुन्ना सिंह चौहान का कहना है कि केंद्र ने कांग्रेस सरकार के दौरान पैसा दिया था और 5 सालों तक कोई काम नहीं किया। 90% काम बीजेपी शासन काल के दौरान हुआ। उनके अनुसार सरकार के पास लाल बत्ती धारकों के लिए तो पैसा है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं है। विशेषज्ञों की समिति वर्णावत के निरीक्षण के लिए भेजी थी, उनकी रिपोर्ट भी आई है, जिलाधिकारी की रिपोर्ट आई है। यदि स्थानीय लोगों को, स्थानीय आबादी को कहीं पुनर्वास किया जाना आवश्यक होगा तो पुनर्वास किया जाएगा। बरसात आने से पहले उसका एक रिव्यू होना चाहिए था कि क्या संभावित खतरे हो सकते, नहीं किया, बैठे रहे, गूंगे बहरे के तरीके से सरकार बैठी रही। हरीश राव जी को नौटंकी करने से फुर्सत नहीं है, गली मोहल्ले में अपना सस्ती लोकप्रियता वाले हथकंडे अपनाने से फुर्सत नहीं है। अब जब फिर से खतरा सिर पे खड़ा हो गया, अब नौटंकी कर रहे हैं, अब प्रीतम सिंह जी वहां तिरपाल लेके खड़े होंगे, अब वहां जाकर के जो है कलेक्टर साहब वहां जाकर के तंबू लगा करके बैठेंगे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग काड़िया के पास मलबा आने से बंद है, जिससे बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जाम के चलते सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई है। बीआरओ ने बंद मार्ग को 8 घंटे की मशक्कत के बाद खोल दिया और स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी सभी यात्रियों को सावधान किया गया कि जब तक मार्ग नहीं खुल जाता है तब तक चमोली और पीपल कोटी के पास ठहरें। यात्रियों का कहना है कि जिस तरह से सड़क पर मलबा आया था उसे बीआरओ ने बहुत कम समय में हटा दिया। सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है हमें खबर देते हैं तो हम जो है उन्हें चमोली में ही रोक देते हैं ताकि जो है वो ऐसी रूट पर ना पहुंचे जहां पे कोई सुविधाएं नहीं है, तो हमने चमोली पे उनको रुकवा दिया है, उधर पीपल कोटी में रुकवा दिया है और मशीनें लगी हुई है, जितना जल्दी हो सके हम शुक्रवार रहे हैं। उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण कुर्सियां खाली होने वाली हैं, लिहाजा इन्हें हासिल करने के लिए जंग छिड़ी है। इन पदों के लिए आईएएस अधिकारी लॉबिंग में जुट गए हैं। दिल्ली से लेकर देहरादून दावेदारों की लंबी फौज सामने आ रही है। पेश एक रिपोर्ट। मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त, इन दोनों पदों पर अब नए चेहरे विराजमान होंगे। मुख्य सचिव एन रविशंकर 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं और मुख्य सूचना आयुक्त के लिए 20 जुलाई को आवेदन होना है। सूत्रों की माने तो मुख्य सचिव के पद पर सरकार की पहली पसंद 1981 बैच के आईएएस राकेश शर्मा ही है, क्योंकि उन्होंने राज्य में ही सेवाएं दी हैं और प्रतिनियुक्ति के लिए कभी आवेदन नहीं किया। वहीं पिछले दिनों दिल्ली में 2 आईएएस अधिकारी 1979 बैच के राजीव गुप्ता और 1981 बैच के अमरेंद्र सिन्हा ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की थी। सूत्र बताते हैं दोनों ही उत्तराखंड आने को तैयार हैं, लेकिन दोनों मुख्य सचिव पद चाहते हैं, हालांकि दोनों केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर ही ज्यादा रहे। वहीं वर्तमान मुख्य सचिव एन रविशंकर मुख्य सूचना आयुक्त के पद को लेकर सोमवार को आवेदन कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं अभी अपर मुख्य सचिव एस राजू भी मुख्य सूचना आयुक्त के पद को लेकर अपनी इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में अगर सरकार चाहेगी तो एस राजू अपनी आईएएस की नौकरी इस पद के लिए छोड़ने तक के लिए तैयार हैं। यानी भाजपा का ईमानदारी का पैमाना क्या है, और मैं समझता हूँ उचित समय पर जो भी मुख्य सूचना आयुक्त होगा, जो भी मुख्य सचिव होगा, वो उचित समय पर इसका फैसला निश्चित रूप से होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि पद ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो ईमानदार हो और काम करना चाहता हो। जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी की बात है, वो सरकार का प्रेरोगेटिव है, वो किसको बनाती है। बीजेपी का तो इतना कहना है जिसको बनाओ उसकी ईमानदार छवि का आदमी होना चाहिए। ईमानदार होने के साथ साथ उसकी छवि भी ईमानदार होनी चाहिए और उत्तराखंड की जो मानसिकता ईमानदारी की है उसको सूट करना चाहिए। कुल मिलाकर दावेदारों की फौज लंबी है, ऐसे में कयासबाजियां भी खूब होनी है, मगर अंतिम फैसला सरकार को करना है। देखना होगा कि सरकार की पसंद पर कौन खरा उतरता है। उत्तराखंड में मुख्य सचिव और मुख्य सूचना आयुक्त 2 महत्वपूर्ण पद ऐसे हैं जिनको जल्द भरा जाना है। ऐसे में आईएएस अधिकारी इन पदों को लेकर दावेदारियां करने में जुटे हुए हैं।
दिल्ली से लेकर देहरादून तक लॉबिंग जारी है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री हरीश रावत व कांग्रेस सरकार किसको इन पदों के लिए चयनित करती है। कैमरामैन अनूप भट्ट व पवन रावत के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। आपदा राहत घोटाले की जांच रिपोर्ट मुख्य सचिव ने सार्वजनिक की तो अधिकारियों को क्लीन चिट देने पर सवाल उठ गए। ऐसे में सीएम का कहना है कि उन्होंने 3 घंटे तक पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया और वो जिला अधिकारियों से कुछ बिंदुओं पर कार्रवाई करने और जांच करने के भी निर्देश देने जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्य सचिव का बचाव करते भी दिखाई दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सवाल आरटीआई और मीडिया ने उठाए थे उनके जवाब मुख्य सचिव की रिपोर्ट में तर्कसंगत हैं। उन्हें नकारा नहीं जा सकता। सीएम ने ये भी कहा कि अधिकारियों ने अपनी जान हथेली पे रखकर लोगों को बचाने का काम किया है, उसकी तारीफ होनी चाहिए, न कि उन्हें इस तरह की बातों में घसीटना चाहिए। जिलाधिकारियों से मैंने कल 3 घंटे अध्ययन किया है, विस्तृत अध्ययन किया है रिपोर्ट का। मैं जिलाधिकारियों को कुछ रूप में एक्शन लेने के लिए और कुछ फर्दर और जाने के लिए भी कहने जा रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर के रिपोर्ट के अंदर जो पहले सवाल उठाए गए थे उन सवालों का तर्कसंगत जवाब है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधा। आपदा घोटाला मामले पर किशोर उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी को यह समझना चाहिए कि 15 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने किसी मामले की जांच कराई हो और उसे इस तरह से सार्वजनिक कर दिया हो। उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी ने कभी ऐसा काम किया? अगर मुख्य सचिव की जांच पर बीजेपी नेताओं को भरोसा नहीं है तो विधानसभा के सदस्यों से जांच करवा लेते हैं। किशोर ने मुख्य सचिव एन रविशंकर का बचाव भी किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मुझे पर आपका विश्वास नहीं है, जो मैंने जो जांच के बिंदु जो उसने तय किए थे सूचना आयुक्त ने, उनकी जो मैंने जांच की है, तो आप सर्वोच्च सदन जो है वो प्रदेश का उसकी जांच कर ले। और उसमें तो जिन लोगों ने ये बातें उठा रहे हैं वो खुद को उनका सदस्य होना चाहिए, खुद जाँच कर लें और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उधर आपदा राहत घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने चौक बाजार में हस्ताक्षर सत्याग्रह अभियान चलाया और एक सभा का भी आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक चंदन राम दास ने कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा और कहा कि अधिकारी सरकार के दबाव में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि आपदा घोटाले में जिस तरह से मुख्य सचिव ने क्लीन चिट दी है उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपदा राहत घोटाले में बड़े पैमाने में लूट खसोट हुई और सरकार अधिकारियों को कारगुजारी पर पर्दा डाल रही है। चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड का रिटायरमेंट है और मैं नहीं समझता हूं कि कोई सरकार अपनी जांच कराए और अपने लोगों को दोषी करे। यदि ये मानते हैं कि हमारी सरकार ने कोई दैवी आपदा का घोटाला नहीं किया है तो सीबीआई की जांच करें, सीबीआई की जांच के लिए सहमति दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं राजधानी देहरादून में प्रदेश की पहली इंडोर फायरिंग रेंज का उद्घाटन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया। अभी तक राज्य के पुलिस को फायरिंग प्रशिक्षण के लिए सेना की मदद लेनी पड़ती थी। फायरिंग रेंज पर पहुंचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री प्रीतम सिंह, डीजीपी बीएस सिद्धू ने पूजा अर्चना के बाद फीता काटा। मुख्यमंत्री ने खुद पिस्टल उठाई और निशाना भी साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फायरिंग रेंज का फायदा खिलाड़ियों, पुलिसकर्मियों और जवानों को अधिक से अधिक मिले, इसके लिए करोड़ रुपए अतिरिक्त भी मंजूर कर दिए हैं। शुभारंभ के मौके पर बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस रेंज के बनने के बाद हमारी जो पुलिस की शूटिंग कैपेबिलिटी है, निशाना साधने की और अपने शरीर को उसके अनुसार ढालने की कैपेसिटी है, वो बहुत कुछ बढ़ जाएगी। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास हाई एल्टीट्यूड में सर्च और रेस्क्यू अभियान के लिए पुलिस बल होगा। भागीरथी ट्रैकिंग से लौटी टीम को मुख्यमंत्री ने सम्मानित करने के साथ साथ मंजूरी भी दे दी है। अब देश विदेश से आने वाले पर्वतारोहियों की आपात स्थिति में ये पुलिस मदद करेगी। इसके साथ साथ इस पुलिस बल में तैनात रहने वाले पुलिसकर्मियों को 30% अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। सीएम ने कहा कि पुलिस जवानों ने विदेश की धरती पर गोल्ड मेडल जीता और अब पर्वतारोहण में भी खास काम करने की जरूरत है।
इस अभियान के प्रमुख आईजी गढ़वाल और एसडीआरएफ प्रमुख संजय गुंजियाल के मुताबिक नया बल एसडीआरएफ के ही अधीन होगा। दूसरे ऑपरेशन करने वाला दल चाहिए, टीम चाहिए, तो वो गठित पुलिस ने की है और ऐसी टीम को एसडीआरएफ के अंदर गठित करने के लिए मैं पुलिस महानिदेशक को और आईजी गढ़वाल रेंज को बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ पर कि एकदम सर्च या रेस्क्यू ऑपरेशन करना मुश्किल है, वहाँ के लिए एक अलग से दल बना ली गई है जो कि पूरे सोफिस्टिकेटेड और हाईली ट्रेंड है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शिशिर उपाध्याय ने आगामी दिनों में होने वाले कांग्रेस के कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आगामी दिनों में हरिद्वार में कांग्रेस राष्ट्रीय कैंप सेवा दल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सेवा दल के लगभग 100 लोग शामिल होंगे जो पूरे देश में सेवा दल के लोगों के प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। कैंप एक हफ्ते का होगा जिसकी शुरुआत 22 जुलाई से शुरू होगी। सेवा दल के कैंप कुमाऊं और गढ़वाल में भी होंगे। राष्ट्रीय कैंप एक सेवा दल का लगा रहे हैं, सेवा दल की बड़ी भूमिका रहती है कांग्रेस को आगे बढ़ाने में। उसके बाद हम एक कुमाऊं मंडल का हर विधानसभा क्षेत्र से 10-10 सेवा दल के कार्यकर्ताओं का एक हफ्ते का कैंप लगाएंगे कुमाऊं में, वो सल्ट में हम लगाने जा रहे हैं, और एक कैंप हम यहाँ लगाएंगे गढ़वाल मंडल में, उसकी अभी तिथि तय नहीं हुई है। वहीं रुद्रपुर नगर निगम की ओर से शहर में घर घर जाकर डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना फ्लॉप होती दिखाई दे रही है। शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसको लेकर जहां शहर के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, तो वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने योजना में धांधली के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि डोर टू डोर कूड़े कलेक्शन का ये ठेका 8 लाख रुपए की दर से निजी हाथों में दिया गया था। देखिए, जो नगर निगम ने जो डोर टू डोर कूड़ा जो कलेक्शन करने की बात की थी, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, सिर्फ ठेकेदारों तक ही सीमित है, वो ग्रास रूट पर कोई दिखाई नहीं दे रही है। लोग परेशान हैं, लोगों का गुस्सा पहले तो उठ भी जाया करता, तो बिल्कुल कूड़ा उठता नहीं है। बरसातों का मौसम है, सारा कूड़ा घरों के बाहर पड़ा हुआ है, नालियों के बाहर पड़ा हुआ है, नालियों में इतना जम गया है कि जब बरसातें होती हैं सारा पानी, जो सारा कूड़ा जो होता है वो फिर ऑन रोड पर आ जाता है। मैं वो जो प्रयास किया हुआ था नगर निगम की ओर से, वो तो बिल्कुल फर्जी प्रयास था। प्रयास जरूर किया गया, ठेका दिया गया, बाकायदा पैसे निकाले गए, पैसे निकाले जाएंगे, ठेकेदारों को बांटे जाएंगे, लेकिन कूड़ा उठाने के नाम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, सब जगह डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत देर में से निकलते हैं, क्योंकि कूड़ा कलेक्शन वाले सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक अपना कलेक्शन करते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग फेंकने के लिए और जगह भी जाते हैं, दूर जाते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक अपना कूड़ा डाल दें, इसके बाद कूड़ा कलेक्शन वाले नहीं मिल पाते हैं। भी जगह जा रहे हैं, अगर ऐसी कोई शिकायत है तो वो हमसे आके मिल सकते हैं, शिकायत कह सकते हैं, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के एकमात्र नेत्र चिकित्सालय का इंतजार अब खत्म होता नहीं दिख रहा है। सालों बाद भी अस्पताल के नाम पर आधा अधूरा निर्माण ही हो पाया है। वहीं अस्पताल के लिए खरीदे जाने वाले उपकरणों की खरीद प्रक्रिया तक शुरू नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अस्पताल के लिए चिकित्सक और अन्य स्टाफ का ढांचा तक तैयार नहीं है, जबकि दावा है कि अस्पताल का लोकार्पण आगामी 2 अक्टूबर को किया जाएगा। भवन निर्माण का काम लोक निर्माण विभाग कर रहे हैं। इस कार्य को 2010 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन बजट की कमी आड़े आने के चलते निर्माण कार्य सुस्त गति से चलता रहा। अब मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को अस्पताल के लोकार्पण की बात कह रहे हैं, लेकिन विभाग संजीदा नहीं दिख रहा है।